केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे खटीमा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को बने आज 22 साल हो गए हैं। आज 22वें राज्य स्थापना दिवस पर नैनीताल उधम सिंह नगर जनपद के सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पार्क में जाकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को आम जनता ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर शहीदों की शहादत को याद किया। आपको बता दें कि वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वह रहे आंदोलन की मातृभूमि खटीमा में वह शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य बनने से पहले अधिकारियों को यहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग में भेजा जाता था, साथ ही यहाँ पर जीवन यापन के लिए महत्व आधारभूत सुविधाओं की भी समस्या थी। उत्तराखंड बनने के बाद लगातार मूलभूत सुविधाओं को लेकर कार्य किया गया है और वर्तमान बीजेपी सरकार का यह पूरा प्रयास है कि राज्य निर्माण के लिए हुए शहीदों की इच्छाओं के अनुरूप ही राज्य का विकास हो सके। वह शहीदों को श्रद्धांजलि देने इसलिए आए हैं कि उत्तराखंड राज्य के शहीद उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वह शहीदों की इच्छाओं के अनुरूप राज्य निर्माण के में अपना योगदान दे सके। अपनी शहीदों की शहादत को कभी भूल ही नहीं सकते। इन्हीं की वजह से आज हम पृथक राज्य के नागरिक हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि विकास कोसों दूर हमसे था और कई अधिकारी उस समय इसलिए भेजे जाते थे, उनको पनिशमेंट मिलता था, डराया जाता था कि आपको उत्तराखंड भेज देंगे, ये स्थिति थी। विकास रुका हुआ था, आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी नहीं, कनेक्टिविटी नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं थी। तो आज जब से राज्य बना है, अभी करना तो बहुत कुछ है हमको। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है, लेकिन बहुत तीव्र गति से हम उन उद्देश्यों की ओर बढ़े हैं जो हमारे शहीदों ने, जिनका बीड़ा उठाया था, जिनके कारण अपनी शहादत दी है। इसलिए सबसे पहले आज मैं शहीद स्थल पर नमन करने के लिए आया हूं कि आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, हमको सद्बुद्धि आए, हम कभी अपने मार्ग से डिगे नहीं, और जिस वजह से आपने अपनी शहादत दी है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें, हमारी सरकारें इस ओर चल सकें और चल भी रहें।